आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, क्या है उनकी महिमा आपसे जानना चाहूंगी। जय माता की। नौ शक्तियों में माँ भगवती का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप से जाना जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तपश्चारिणी। माँ भगवती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, संयम से, नियम से, धैर्य से। तप का अर्थ होता कष्ट पाना। साधना की, अरण्य अर्थात जंगल में रही, काफी यातनाएं सहन करी, तब भगवान शिव को पति रूप में उन्हें प्राप्त किया। माँ भगवती के एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है, माला ली हुई है, श्वेत वस्त्र उनका स्वरूप है, धारण की हुई है। और जो भी व्यक्ति भगवती की आराधना करता है उसको धैर्यवान बनता है। विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु के लिए बुद्धि की प्राप्ति होती है। धैर्य से, संयम से जो कार्य करे, भगवती को उपासना करे, तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यही बिल्कुल। इसके अलावा एक और सवाल, देखा जाए तो झंडेवालान मंदिर में लोगों का तांता लगा रहता है, ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते ना केवल दिल्ली के लोग बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग खींचे चले आते हैं? माँ भगवती का ये प्राचीन मंदिर है, फिर आद्याशक्ति भगवती का ये सिद्ध स्वरूप है। जो भी व्यक्ति जिस भावना से, जिस मनोरथ को लेकर के यहाँ आते हैं, भगवती कृपा से उनका आत्मविश्वास रूप से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि लोग का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है और आते रहते हैं श्रद्धालु लोग। बिल्कुल, शुक्रिया पंडित जी ये तमाम जानकारी जनतंत्र टीवी के दर्शकों से साझा करने के लिए। तो हिमानी, आपने सुना, पंडित जी ने विस्तृत तौर पर बताया कि माता ब्रह्मचारिणी की आज की पूजा का महिमा क्या है, और इसके अलावा साथ ही झंडेवाला मंदिर के इतिहास के